अगली खबर है डीडवाना से, जहां पर नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है। जहां पर खेतों में नगर पालिका द्वारा सिवरेज का गंदा बदबूदार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों को भारी समस्या का करना पड़ रहा है सामना। नागौर जिले के डीडवाना नगर पालिका क्षेत्र के गंदे पानी की निकासी और शहर के भविष्य प्लान को लेकर बनाई गई सिवरेज बार बार कस्बेवासियों के साथ आसपास के ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। सिवरेज प्लांट से छोड़ा जाने वाला पानी जो शोधित कर किसानों को दिया जाना था, इसकी पाइपलाइन बिछाकर कुछ किसानों को दिया गया, मगर कई जगह पाइपलाइन फूटकर जगह जगह गंदा पानी भर चुका है। वहीं कस्बे से आजवा गांव जाने वाले सड़क पर सिवरेज कंपनी और नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही साफ तौर से देखी जा सकती है। यहाँ कुछ खेतों में बिना खेत मालिकों की अनुमति के ही खेतों में सिवरेज का गंदा बदबूदार पानी छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से कई जगह खेत तालाब की तरह दिखने लगे हैं। यहाँ के खेत मालिक इस तरह के गहराई में पानी भर जाने से खेतों की जुताई बुवाई भी नहीं कर पा रहे। किसानों ने विरोध जताते हुए खेतों में भरे पानी की निकासी का समुचित उपाय कर यहाँ भविष्य में पानी नहीं छोड़ने की मांग की। साथ ही किसान ने नगर पालिका से मुआवजे की भी मांग की है। ट्रीटमेंट प्लांट का पानी छोड़ा गया है, क्या कहेंगे इसके लिए? मेरे खेत के अंदर 3-3.5 साल पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी एक खेत में छोड़ने का काम शुरू हुआ। इसकी वजह से अब पानी इतना ज़्यादा हो गया कि ये तालाब का रूप ले चुका है, और इसकी वजह से आम रास्ता बंद हो रहा है और पड़ोस के खेतों के अंदर पानी जा रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो नगर पालिका से क्या मांग आप? नगर पालिका से हमारी मांग है कि इस ट्रीटमेंट प्लांट, इस पानी का, आप केमिकलों की वजह से हमारे खेत खराब हो रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ समाधान जल्दी निकाले।